नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है? क्यों वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जब उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है? हमारी पूजा पाठ में हम विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिस प्रकार शिवलिंग को जल अभिषेक करके बहुत जल्दी प्रसन्न किया जाता है, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं यदि उनका रुद्राभिषेक किया जाए। उसी प्रकार शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं यदि उनके ऊपर सरसों के तेल को अर्पित किया जाए। और इसी प्रकार माता लक्ष्मी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है जब उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित की जाए। उसी प्रकार भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले सिंदूर उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। भक्त बड़े प्रेम से अपने आराध्य श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि सिंदूर चढ़ाने से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है और वह हमेशा सिंदूरी रंग का चोला ही क्यों ओढ़ते हैं? वैसे तो सिंदूर सौभाग्य और पूजा का प्रतीक होता है, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के संबंध में दो कथाएं बहुत प्रचलित है। श्री रामचरितमानस के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा, तब उनके मन में जिज्ञासा जागी कि माता मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। यह सवाल उन्होंने माता सीता से पूछा। इसके जवाब में सीता ने उन्हें कहा कि अपने स्वामी पति श्री राम की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए मांग में मैं सिंदूर लगाती हूँ। शास्त्रों के अनुसार सुहागन स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और वह हमेशा स्वस्थ रहता है। माता सीता का उत्तर सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से इतना लाभ होता है तो वह पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएंगे, इससे उनके स्वामी श्री राम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर पोत कर श्री राम के सामने सभा में प्रस्तुत हो गए। हनुमान जी का प्रेम देखकर श्री राम बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अपने आराध्य को प्रसन्न देखकर हनुमान जी को सीता जी की बातों पर दृढ़ विश्वास हो गया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, इसके अलावा जब लंका विजय के बाद भगवान राम पत्नी सीता संग अयोध्या वापस लौटे तो वानर सेना को विदाई दे दी गई। माता सीता ने बहुमूल्य मोती और हीरों से जड़ी माला अपने गले से उतारकर हनुमान जी को विदा करते वक्त पहना दी। माला में किसी भी मोती या हीरे में कहीं पर भी भगवान राम का नाम नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हुई। तब सीता जी ने अपने माथे पर लगा सिंदूर हनुमान जी की ललाट पर लगा दिया था। सीता जी हनुमान जी से कहा कि इससे अधिक महत्व की कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण से जब हनुमान जी को कोई भी भक्त सिंदूर अर्पित करता है तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल उसे वह प्रदान करते हैं। अब सिंदूर चढ़ाने की विधि क्या होनी चाहिए, यह भी हमारे लिए जानना बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहले आप हनुमान जी की प्रतिमा को स्नान कराएं, इसके बाद पूजा सामग्री अर्पण करें, फिर मंत्र उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या फिर हनुमान जी की मूर्ति पर देशी घी लगाकर उस पर सिंदूर चढ़ावे। यह पूरी विधि से होता है। एक प्रखंड पंडित की सहायता से आप यह विधि करवाएं। दोस्तों, सिंदूर को सुख, सौभाग्य और संपत्ता का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। वहीं सिंदूरी रंग वैज्ञानिक कारण से ऊर्जा का प्रतीक होता है। भक्त जब सिंदूर से तिलक लगाते हैं तो मस्तिष्क पर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। ऐसा करने से मन में अच्छे विचार आते हैं और व्यक्ति को परमात्मा की ऊर्जा मिलने लग जाती है। इसलिए सिंदूर चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे जीवन में बहुत अधिक है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम किसी भी चीज को हमारे जीवन में अपनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आज मैंने आप लोगों के साथ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करी है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। दोस्तों,
और यदि पहली बार आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई